अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे खुशका शरबत। चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। आधा लीटर दूध है, 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, मगज़ के बीज है यानी तरबूज के बीज 2 टेबलस्पून, शक्कर है 4 टेबलस्पून, खसखस है 1 टेबलस्पून, बादाम है 10 से 12, पहले ही भिगो के डाला है, खुशका सिरप है। बादाम के छिलके निकाल के मिक्सी के जार में डाल लेंगे, मगज के बीज भी डाल लेंगे यानी तरबूज के बीज, खसखस, इन सब को डाल के बारीक सा महीन सा पेस्ट बना लेंगे, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इधर दूध को उबालने रख लिया है। दूध में उबाल आने के बाद हम उसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। पहले कस्टर्ड में थोड़ा सा वार्म दूध डाल के मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना आए। देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें कस्टर्ड पाउडर का मिक्स जो बनाए घोल बनाए उसमें डाल देंगे। डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको 2 या 3 मिनट तक पका लेंगे। कस्टर्ड पाउडर बहुत नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो फिर गाढ़ा बन जाता है। हमें शरबत बनाना है तो थोड़ा ही पानी ही रहना है। इसको 2-3 मिनट तक पकाने के बाद इसमें शुगर डाल देंगे। 3 या 4 टेबलस्पून काफ़ी है क्योंकि हम बाद में सिरप डालेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। इसको भी थोड़ी देर पका लेंगे। इसके बाद हम पिसा हुआ जो पेस्ट बनाए बादाम, मगज और खसखस का, वो पेस्ट इसमें डाल देंगे। डाल के मिक्स कर लेंगे, इसको भी 1-2 मिनट तक पका लेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार का होता है, आप इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिए। लम्स ना आए ऐसे इसको अच्छे से मिक्स कर लें और 1-2 मिनट के लिए पका लें। थोड़ा क्रंचीनेस लाने के लिए इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, फिर भी डालेंगे तो अच्छा रहता है, टेस्टी, पीते वक्त क्रंचीपन आता है शरबत। आप खुशका सिरप लेंगे 3 टेबलस्पून। आपके पास ये नहीं है तो रूह अफ़ज़ा यूज़ कर सकते हैं, मगर इसका टेस्ट अलग रहता है। 3 टेबलस्पून काफ़ी है। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये है खुशका शरबत सिरप, ये आसानी से मिल जाता है बाज़ार में। चलिए हमारा शरबत तैयार हो गया, हम इसको सर्व करेंगे आइस क्यूब के साथ। 2-2 आइस क्यूब्स डाल लेंगे। इसको चिल करके सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्ट आता है। शरबत को डाल लेंगे। गार्निश के लिए हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी सा शरबत बन के तैयार है, आप इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिए। रिफ्रेशिंग रहता है इफ्तार के वक्त। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।